और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने बिहार के मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि बिहार में सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे मदरसों में कथित तौर पर कट्टरपंथी सेलेब्स और पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताबें पढ़ाई जा रही हैं। बिहार में मदरसों को लेकर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिहार में सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे मदरसों में कथित तौर पर कट्टरपंथी सिलेबस और पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताबें पढ़ाई जा रही हैं। कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये गंभीर आरोप लगाए। कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कुछ किताबें जैसे तालीमुल इस्लाम का इस्तेमाल इन मदरसों में हो रहा है, जिसमें गैर मुस्लिमों को काफिर कहा गया है। कानूनगो ने लिखा कि बिहार में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में तालीमुल इस्लाम और इसी तरह की अन्य किताबें पढ़ाई जा रही हैं। इस किताब में गैर इस्लामियों को काफिर बताया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि तालीमुल इस्लाम किताब को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस किताब को किफायतुल्लाह साहब ने लिखा है। अभी बिहार के मदरसों में बच्चों को बड़े पैमाने पर पढ़ाया जा रहा है। इन मदरसों में गैर हिंदुओं के भी दाखिला लेने की जानकारी मिली है। प्रियंक कानूनगो के मुताबिक हिंदू बच्चों को ये बताना कि वो एक से ज्यादा भगवान में विश्वास करेंगे तो काफिर कहलाएंगे, जो एकदम गलत है। ऐसे में बच्चों में मनोवैज्ञानिक रूप से गलत असर पड़ेगा, उनके विकास में बाधा उत्पन्न होगी, उनके अंदर एक हीन भावना का विकास होगा। हम राज्य सरकार से लगातार कह रहे हैं, इन हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर कीजिए। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसी खबरें मिली हैं कि इन मदरसों में हिंदू बच्चों का भी दाखिला हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार तादाद के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही। मदरसों से हिंदू बच्चों को स्कूल में शिफ्ट करने के सवाल पर बिहार मदरसा बोर्ड ने कहा कि मदरसों का पाठ्यक्रम यूनिसेफ इंडिया के जरिए तय किया गया है। इसके बाद उन्होंने यूनिसेफ पर भी निशाना साधा। प्रियंक कानूनगो ने इसे यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड दोनों की तुष्टिकरण की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड की तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। बाल संरक्षण के नाम पर सरकारों से दान और अनुदान के तौर पर मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करके क्रांतिकारी पाठ्यक्रम तैयार करना यूनिसेफ का काम नहीं है। अब इस मुद्दे पर बिहार में सियासी माहौल गर्माने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।